आशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको घर पर कैसे बना सकते हैं स्किन वाइटनिंग स्प्रे, इसके बारे में बताऊंगी। वैसे तो दोस्तों, स्किन वाइटनिंग स्प्रे की वजह से आपके चेहरे पर फ्रेशनेस आती है और जितना भी कालापन है वो भी ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे आपकी स्किन काफ़ी गोरी और काफ़ी चमकदार हो जाती है। वैसे तो वाइटनिंग स्प्रे मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, पर दोस्तों वो केमिकल से भरा होता है और साथ ही साथ काफ़ी महंगा भी होता है। पर दोस्तों, आज मैं आपको घर पर ही आसान तरीके से इसे कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगी, जिसकी वजह से आप केमिकल से भी दूर रहेंगे और ये काफ़ी सस्ता भी है बनाने में। तो चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए रोज़ वाटर। रोज़ वाटर में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में नरिशमेंट होती है, मॉइस्चराइजेशन होता है और आपकी स्किन काफ़ी तरोताजगी से भरपूर हो जाती है। इसके बाद आपको चाहिए कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसकी मदद से हमारे चेहरे पर एजिंग की जो भी साइंस है वो नहीं दिखते हैं, इसलिए कोकोनट वाटर हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर ऑयली है, कोकोनट वाटर ऑल स्किन टाइप के लिए अच्छी है। इसके बाद दोस्तों, आपको इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को लेना है, जैसे कि एक कप नारियल का पानी और एक कप रोज़ वाटर। आप चाहे तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और ये आपका स्किन वाइटनिंग स्प्रे तैयार है। इसे आप दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मेकअप लगाया है और मेकअप को फ्रेश लुक देना चाहते हैं तो भी आप इसे अपने चेहरे पर स्प्रे कर सकते हैं। ये जो स्प्रे है काफ़ी इफेक्टिव है आपके स्किन के लिए, एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको काफ़ी पसंद आएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और कहीं अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करके उसके बाजू में एक बेल आइकन बटन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मैं मिलूँगी और एक ऐसे अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।